गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहनराम तंवर। मैं एक आर्टिस्ट आप लोगों को आज अपना आर्ट प्लेस, आर्ट वर्क और आर्ट पेंटिंग शो करने जा रहा हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको मेरी ये आर्ट प्लेस और आर्ट पेंटिंग बेहद पसंद आएगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। और उन लोगों को थैंक्स, एडवांस थैंक्स, जिन लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है। चलो दोस्तों, मैं आज आपको अपना आर्ट वर्क और आर्ट प्लेस दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं आज आपको अपना आर्ट प्लेस दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपना काम करता हूँ। ये चेयर, एक छोटी सी टेबल और इसके ऊपर रखे हुए थोड़े से आर्ट मटेरियल, और ये कुछ पेंटिंग्स और कुछ कैनवास जिन पे मैं काम करूँगा, और कुछ कैनवास जिन पे काम हो चुका है। यहाँ पर बैठकर मैं अपने काम को इन्जॉय करता हूँ, और दिल से इस काम को देखकर मुझे हर रोज़ खुशी होती है। और बड़े सपने देखता हूँ कि मैं अपने इस काम को और बेहतर करूँगा, और आप लोगों को YouTube पर अपना वर्क दिखाता रहूँगा। अब चलते हैं दोस्तों, छोटा सा डेमो मेरे आर्ट मटेरियल का, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। जैसे कि सबसे पहले आप देख ही रहे हैं, टेबल के ऊपर ये ब्रशेस रखे हुए हैं, ये स्प्रे हैं, वार्निश स्प्रेस जो पेंटिंग्स के ऊपर होते हैं, पेंटिंग के लिए है, ऑयल पेंटिंग के लिए। और ये आप देख सकते हैं, ये वाला मैं चारकोल पेंसिल स्केचेस जो होते हैं उनके लिए लेके आया हूँ। उस पर मैंने इसका मैंने ना तो यूज़ किया है, ना मैंने अभी कोई स्केच बनाया। मैं अभी पेंटिंग कर रहा हूँ फर्स्ट पहले, और अभी मैं पहली बार स्केचिंग करूँगा, और पहली बार स्केचिंग पेन से करूँगा। दोस्तों, मैं आपको इसकी एक आर्ट बहुत जल्द यूट्यूब पर दिखाऊँगा। आपको अपना छोटा सा डेमो एक आर्ट मटेरियल का दे देता हूँ। बहुत थोड़ा सा ही आर्ट मटेरियल है, बट मुझे मैंने इसी से ही अभी तक का आर्ट वर्क किया है। जैसे कि सबसे पहले आप देख ही सकते हैं, जैसे कि ये आप स्प्रे देख रहे हैं, वार्निश स्प्रे है यहाँ पे, एक ये थोड़ा सा हाई कॉस्टली स्प्रे है, और एक सस्ता वाला भी है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं 300 का है और वो 1000 रुपये का है, तो आप देख ही सकते हैं कितना डिफरेंस है। ये आर्ट ये पेंटिंग स्प्रे हैं, और आप मेरे एक्रेलिक कलर्स देख सकते हैं। मैंने अभी तक एक्रेलिक कलर्स पे ही काम किया है, ऑयल कलर्स पे अभी काम नहीं किया है। और जो मैं आपको आर्ट दिखाऊंगा वो नीचे की है, और आप ये देख सकते हैं मैं अभी न्यू लाया था, ये बिल्कुल न्यू। इस पर आप देख रहे हैं, ये मेरे अभी न्यू कलर हैं, जिनको ये पेंटिंग्स को यूज़ करके मैं पेंटिंग आपको बहुत जल्द दिखाऊँगा। और आप देख सकते हैं ब्रशेस, ये छोटे छोटे ब्रशेस, ये बिल्कुल छोटे छोटे ब्रशेस, बिल्कुल छोटे छोटे ब्रशेस, ये न्यू ब्रशेस मैं लेके आया हूँ बिल्कुल ही। ये पैलेट और ये स्केच पेन, जो उनके लिए मैं कह रहा था कि मैं स्केचिंग करूँगा, मैं पेन से स्केचिंग करूँगा सर पहली बार। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे स्केच आर्ट को देख कर बेहद पसंद करेंगे। ये मैं कुछ कैनवस लेके आया हूँ, जिन पे मैं बहुत जल्द अपनी एक न्यू आर्ट शो करूँगा आप लोगों को। ये इसमें रखा है रोल के अंदर स्केच पेपर, जिनके ऊपर मैं पेन से स्केच करके आपको एक बेहतरीन आर्ट शो करूँगा। और ये स्मॉल कैनवस है, आप देख सकते हैं इनके, मैंने इन पर भी एक काम किया है, मैं आपको इनकी एक पर किया हुआ काम दिखाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेंटिंग, ये सारी पेंटिंग्स हैं, ये वाली भी, ये वाली पेंटिंग भी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी छोटी सी स्मॉल कैनवस पे की हुई आर्ट वर्क है। ये छोटी छोटी आर्ट पेंटिंग आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपनी बड़ी आर्ट वर्क, जिसपे बड़े कैनवस पे काम किया है। जैसे कि पहला ये आप देख सकते हैं, मैंने बड़े कैनवस पे काम किया है, एक आर्ट पेंटिंग है मेरी। और ये तीन आर्ट पेंटिंग आप देख सकते हैं, इन पर मैंने हाथों से काम किया है, कैनवस पे है ये सारा काम, आप देख सकते हैं कैनवस पे है। एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ये कैनवस बोर्ड, ये कैनवस बोर्ड है, ये भी कैनवस बोर्ड है, बट थोड़ा डिफरेंस है इसके अंदर। ये है मेरा छोटा सा आर्ट प्लेस जो आज मैंने आपको शो किया है। आप फ्रेंड्स, अभी आपने मेरा आर्ट वर्क और आर्ट प्लेस देखा, मुझे पूरा भरोसा है आपको मेरी वीडियो बेहद पसंद आई होगी। और इसी वजह से मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ इस वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर। मुझे पूरा भरोसा है अब तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया होगा।
और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आर्ट से रिलेटेड पेंटिंग स्केचेस सभी वीडियो शो करूँगा। तो मेरी इस वीडियो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक दोस्तों।